हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय जीएस जीके की क्लास में, और इस क्लास में हम एक ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। वो ट्रिक आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, जिससे आप सभी के सभी, यानी कि जो सभी के सभी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि संगठन हैं, और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित हैं, इसके संदर्भ में हम एक ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग सबसे पहले तो यार सेशन को शेयर कर दोगे, और मुझे अन अकेडमी लर्नर ऐप पर आप लोग फॉलो जरूर करोगे। जब भी आप लोग मुझे अन अकेडमी लर्नर ऐप पर मेरे साथ में जुड़ते हैं, तो जो विद्यार्थी नहीं जुड़ते हैं वो जरूर ध्यान देंगे। आपको अन अकेडमी लर्नर ऐप पर मुझे फॉलो करोगे आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से, तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। तो भैया नोटिफिकेशन आप लोग जरूर लीजिए, पहले फॉलो कीजिए फिर नोटिफिकेशन पहुंचेगा, मेरी सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो आप सभी लोग मेरे से जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट आप लोग पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए डेली शाम को 7 बजे आपकी एक स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, तो आप लोग भैया उस पर जरूर जुड़िएगा। और जीके जीएस की क्लास मॉर्निंग में 8:45 पे होती है, और दोपहर में आपकी 3 PM पर भी होती है। इन सारी क्लासेस से आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस कोर्स अगर किसी विद्यार्थी ने भैया नहीं लिया है, तो प्लस कोर्स लेने का फायदा क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर फ्री में तो मिल रहा है, हम क्यों लें? तो देखिए, मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक विद्यार्थी प्लस कोर्स लेकर के मिस्टर आर से रीजनिंग पढ़ रहा है प्लस क्लास में, और मिस्टर आर से ही वो जो प्लस क्लास है उसमें पढ़ रहा है, जो फ्री क्लास है यानी कि स्पेशल क्लास, दोनों में पढ़ रहा है। तो वो आर का रीजनिंग यहां भी समझ रहा है और आर सर क्या कर रहे हैं इसको यहां पर लिंक करके पढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसे ही आप हर एक सब्जेक्ट में एजुकेटर्स सेलेक्ट करोगे तो बहुत जल्दी सफलता आपके हाथ में लगेगी, और आप 1 साल के भीतर बहुत जगह पर सिलेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते आप बहुत कड़ी मेहनत करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको करना क्या है, AB Cert 10 कोड लगाना है और डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखो यहां पर खासियत क्या है, वीकली टेस्ट मिलेगा भैया, वीकली टेस्ट, और उस टेस्ट का पूरा एनालिसिस मिलेगा। स्ट्रक्चर वे में कोर्स होगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस होगी, और आपका पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा स्टडी प्लानर और स्टडी मटेरियल के साथ साथ। तो आप सभी लोग AB Cert 10 कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। रेज हैंड का प्रयोग कब करना है, जब आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास करते हैं, तो अपने जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हैं उनसे सीधे बातचीत करके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, और वो इस पर क्लिक करके रेज हैंड पर देखिए, जब आप कमेंट सेक्शन जो होता है उसके साइड में राइट हैंड साइड में जो थर्ड जो आपको लोगो दिखता है उस पर क्लिक करके रेज हैंड, जिसमें एक बच्चा रेज हैंड करके वहां पर एक लोगो बना होगा। और दूसरी चीज, ऐसे विद्यार्थी जो बहुत जगह क्वेश्चन पूछते हैं सर इसका क्या होगा, सर उसका क्या होगा आंसर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आपको एक नया फीचर मिल रहा है, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। यहां पर आप जो भी क्वेश्चन है उसका इमेज बना करके इस पर अपलोड करोगे, आपको इंस्टेंट उसका आंसर मिल जाएगा। तो भैया इसका लाभ लेंगे, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फ्री क्लासेस को अनलॉक कीजिए। अनलॉक करने का कोड है, फ्री क्लासेस को अनलॉक कीजिए, अनलॉक करने का कोड है AB Cert 10। मेरी बात फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फ्री क्लासेस को देखने के लिए AB Cert 10 कोड से अनलॉक कीजिए। ठीक है, 5 तारीख को आपका बहुत बेहतरीन एक रीजनिंग का है, यहां पर मैराथन लिखा हुआ है, कॉम्बैट है, जिसमें आप शानदार जानदार प्राइज जीतोगे। केवल आपको इनरोलमेंट करना है, फ्री में इनरोलमेंट है, अगर आप AB Cert 10 कोड लगा करके इनरोलमेंट करते हैं तो एकदम फ्री में इनरोलमेंट होगा भाई। ठीक है, और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस तरीके की एक विंडो आएगी, उस विंडो में आप जो भी ड्यूरेशन लेना चाहते हैं वो ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए। यहां पर रेफरल कोड आप लोग हमारा लिखिए, क्या रेफरल कोड लिखोगे भैया, AB Cert 10 रेफरल कोड लिखिए, और अप्लाई लिखा रहेगा छोटा सा यहां पर, उसको क्लिक करोगे, प्रोसीड टू पे कीजिए, हो गया भैया सब्सक्रिप्शन, और प्लस के सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हो। अब हम आ जाते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या ट्रिक है। ठीक है, देखो भैया यहां पर हमने लिखा हुआ है जिनके अंत में इंडिया शब्द आए तो वो मुख्यालय कहां स्थित होंगे, बस ये ट्रिक है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन उनके अंत में इंडिया शब्द आएगा और वो सब कहां पर स्थित होंगे, मुंबई, आमची मुंबई, ठीक
ठीक है ना, बोलते ना आमची मुंबई, पहले नाम बॉम्बे था, बम्बई, बॉम्बे, बम्बई से बॉम्बे हो गया, बॉम्बे से मुंबई हो गया ना। तो ये जो मुंबई एक शहर है, मुंबई शहर में कौन कौन से हेडक्वार्टर संगठन के स्थित हैं, इसके बारे में जानोगे। देखो बहुत जबरदस्त ट्रिक है, जानिए सभी मुख्यालय एक ट्रिक से। तो भैया ये ट्रिक बड़ी उमदा है, देखो इंडिया जिसके अंत में आए, जिसके अंत में इंडिया आए, ठीक है ना। एक बार मैंने और डिस्कस किया था, तब मैंने कहा था ऑफ इंडिया, अब यहां पर इंडिया मैं डिस्कस कर रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया आ रहा है। मुंबई में हेडक्वार्टर कहां पर बच्चे, मुंबई में हेडक्वार्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जानते ना कब स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, समझते भी जाइएगा। और नेशनलाइजेशन मालूम है कब हुआ है, 1 जनवरी 1949 को, याद रखना है। और पता है ना आरबीआई कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पर था, तो याद रखोगे हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना। आरबीआई का इनिशियल हेडक्वार्टर कहां था, कलकत्ता, 1937 में ये बंबई आ गया भाई, ठीक है। और पहले इसके गवर्नर कौन थे, अंग्रेजों के समय है भाई स्थापित हुई है, तो अंग्रेजी होगा। ऑस्बोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई वाज मिस्टर सी डी देशमुख, ठीक है, याद रहेगा। और एक सवाल और भी पूछा जाता है, आरबीआई के सबसे अधिक समय तक गवर्नर रहने वाले, तो बेनेगल रामाराव साहब, सबसे कम समय तक अमिताभ घोष साहब होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और एलआईसी की स्थापना जो है वो 1 सितंबर 1956 को होती है, याद रखिएगा, ये भी भैया बंबई में। अब है आईडीबीआई, क्या है आईडीबीआई, देखो ये क्या हो जाएगा आईडीबीआई, आईडीबीआई ये क्या है भाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आईडीबीआई है। इसका भी हेडक्वार्टर बच्चे कहां पर हो जाएगा, इसका भी हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, आईडीबीआई, ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में भाई, ठीक है। अब है जीआईसी, जीआईसी का मतलब होता है भाई, एलआईसी ने तो जीवन का बीमा किया, जीआईसी क्या करेगा, हमारी कार का बीमा करेगा, हमारा बाइक का बीमा करेगा, घर का बीमा करेगा, जो प्रॉपर्टीज हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये एलआईसी के बाद में 1972 में स्थापित होता है, इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है ना। फिर है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ये भी देखो इंडिया लगा है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में स्थित हो गया। फिर है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगर मान लो यूबीआई आ जाए आपके एग्जाम में तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यूबीआई का मतलब यार यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी निकलता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी निकलता है, लेकिन कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाला है वो जानता है इस बात को कि यार यू से दोनों हो सकता है, यूनाइटेड का मुंबई नहीं है कलकत्ता हो जाता है, याद रखिएगा। यूनियन बैंक का आपका हेडक्वार्टर कहां, मुंबई में हो गया भाई। फिर है सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मत समझ लेना, अगर सीबीआई लिख के आए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी बच्चे मुंबई में स्थित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो देखो शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे एसबीआई, आरबीआई, ठीक है, आईडीबीआई, ठीक है, एलआईसी, जीआईसी, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक और याद कर लोगे यूबीआई, सब खटाखट याद हो जाएंगे, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सब हो गया कहां पर, मुंबई में। इसके आगे भी है, इतना ही नहीं है और भी है, देखो भाई सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई, ठीक है। बीसीसीआई, हम लोग कहते हैं ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, याद है बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ये भी भाई आपका मुंबई में हो गया। आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपका मुंबई हो गया। और यूटीआई क्या हो गया, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी आपका क्या हो गया भाई, ये भी मुंबई में हो गया। तो आपने ये आई वाले जितने भी देखे इंडिया जिनके अंत में है, बहुत सारे हमने हेडक्वार्टर्स देख लिए जिनके अंत में इंडिया शब्द आ रहा है, ये सभी के सभी आपके मुंबई में स्थित है भैया, याद रहेगा हाँ या ना। एक बार सारे लोग जरूर बताओगे कि ट्रिक कैसी लगी,
ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा आप लगातार। जैसे ही हम लोगों का एक थोड़ा सा समय आएगा एग्जामिनेशन का, कोई भी आपको याद करने में दिक्कत होगी तो हम ऐसी ट्रिक को साझा करते रहेंगे। एकदम एक बार में देख लीजिए, SBI, RBI, LIC, IDBI, GIC, ठीक है, उसके बाद में सेबी, IBCCI, ICICI, UTI, सब याद करो यार। अंत में इंडिया मतलब मुंबई, तो ये ऐसे याद करते हो, इंडिया की आर्थिक राजधानी क्या बोली जाती है, मुंबई, तो यानी कि मुंबई में सारे ये हेडक्वार्टर्स स्थित हो गए। ठीक है भाई, तो ये ट्रिक निश्चित रूप से आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करेगी, बहुत सारे प्रश्नों को कंफ्यूज जो आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो ना वो कंफ्यूजन दूर करेगी। दूसरी चीज, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ भाई, GSG के भाई आलोक सर, इस पर आपको हम हमेशा अपडेशन देते रहते हैं, तो आप लोग इस पर जरूर जुड़ जाइए। और देखिए रिपोर्ट एंड विन वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी विद्यार्थी हैं इसको देख सकते हैं, मैं रिपोर्ट एंड विन। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाई, मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके ए बी सर्टेन फ्री क्लासेस, तो अभी आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जितनी फ्री क्लासेस हैं उन सभी को देख सकते हो, जितने भी फ्री क्लासेस हैं सबको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री क्लासेस को अनलॉक कीजिए ए बी सर्टेन कोड लगा करके। और भैया चाहे रीजनिंग पढ़िए, चाहे मैथ पढ़िए, चाहे GK, GS, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, याद रहेगा, सेशन अच्छा लगा हो, ट्रिक मस्त लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, बढ़िया से रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा करके पढ़ते रहिए। थैंक यू।